अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल ARK किचन से। आज हम बना रहे हैं गोश्त और कमल ककड़ी का सालन, जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप हमारा यकीन मानिए, इस तरीके से बनाएंगे तो आप सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपकी भी बहुत तारीफ होगी। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और हमने थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला भी लिए हैं, और कुछ हमने कमल ककड़ी और गोश्त लिए हैं। गोश्त को अच्छी तरह से वॉश किए हैं, उसके बाद प्रेशर कुकर में डालेंगे। हमने 500 ग्राम्स, मतलब इसे हम आधे किलो गोश्त से बना रहे हैं। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। डालेंगे खड़ा गरम मसाला, उसमें हमने लिए हैं छोटे साइज़ के तेज़पत्ते, 1/4 चम्मच शाही जीरा, 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 से 3 लौंग, छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इन सभी को हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। जब भी हम कोई सालन बनाते हैं तो उस पर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं, इससे इस पर बहुत ही उम्दा किस्म का टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें प्याज और टमाटर डालेंगे, इन्हें हमने बड़े टुकड़ों में चॉप किए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डालना शुरू करेंगे, तो मैं सबसे पहले 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च डालूँगी, आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1 छोटी चम्मच हल्दी और नमक डालेंगे, ये हमने सेंधा नमक डाले हैं क्योंकि हमारे घर पे सेंधा नमक से ही खाना पकाते हैं। आपके घर पे जैसा नमक खाते हैं आपको उसके हिसाब से ही नमक डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, तो सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं गोश्त के साथ। अब हम गोश्त को और ये सभी मसालों को और प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पर रखेंगे पकने के लिए। तो लीजिए, गोश्त के साथ सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, लगभग 1 कप। उसके बाद हम इसे गैस पर रखते हैं पकने के लिए। प्रेशर कुकर में 2 सीटी आने तक हम इस पकने देते हैं, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। गोश्त पक रहा है, हमें कमल ककड़ी को साफ़ करके काट लेते हैं, और ये कमल ककड़ी को हम पूरा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे मैक्सिमम। इसमें हम ये 3 कमल ककड़ी डाल देंगे। अब हम इसे काट लेते हैं, और जब हम इसकी मूठ को काटेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि ये सड़ा तो नहीं है, या कोई गंदगी या कोई कचरा तो नहीं है। ये साफ़ रहेगा तभी हम इसको कट करेंगे। इसके छिलके अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे छीले हैं और ये पूरी तरह से साफ़ है। तो सारी कमल ककड़ी को हम छील लिए हैं, अब हम इन्हें बहते पानी के नीचे वॉश करेंगे। ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, ये देखिए, इस तरह से बहते हुए पानी के नीचे, नल के नीचे हमें इसे वॉश करना है। अब एक दूसरे बाउल में हमने पानी रखे हैं, और ये कमल ककड़ी को हम कट करना शुरू करते हैं। आप अपने मन चाहे शेप्स में कट करें। कट करने के बाद इनके पीसेस को पानी में डालें ताकि और अच्छी तरह से धुल जाएँ। ये देखिए, हमने इसे बड़े और मोटे टुकड़ों में कट करे हैं, और अंदर यहाँ पर भी हम इसे चेक करते रहेंगे कोई कचरा या मिट्टी तो नहीं रह गई है। और आप चाहे तो इसकी पतली स्लाइसेस भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर अपने मन से मोटे शेप में काटे हैं। और इसे हम दोबारा पानी में डाल के वॉश करेंगे।
सारी कमल ककड़ी को हमने काट लिए हैं। इसे हम ये बाउल में दोबारा से धो लेते हैं ताकि और भी इसमें जो गंदगी कचरा रहे पूरी तरह से साफ हो जाए। अब हम सालन को देखते हैं, गोश्त को। ये देखिए गोश्त जो है 2 सीटी आने तक के पका है। अभी हम इसे भूनना शुरू कर देंगे। तो हम अभी गैस ऑन करेंगे और इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए हमने गैस ऑन कर दिए हैं और इसे हम भूनेंगे। इसके पानी सूखने तक के हम इसे और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, जिससे कि बहुत अच्छा इस पर टेस्ट आएगा और खुशबूदार बनेगा ये। आप चाहें तो इस पर फ्रेश मेथी पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसका पानी सूखना शुरू हो गया है, तो जिस चम्मच से हम सालन बना रहे हैं उसी चम्मच में हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देते हैं। इसे हम फुल फ्लेम पर बना रहे हैं और गोश्त पे जो हमने 2 सीटी लगाए थे प्रेशर कुकर में, उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है, अच्छी तरह से गलना शुरू हो गया है अभी। गोश्त को हमें भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये अधगला हो गया है। अब हम इसमें कमल ककड़ी डाल देंगे। ये जो कमल ककड़ी होती है उसे ढेंस के नाम से भी जाना जाता है। और कमल ककड़ी जो होती है कमल के फूल की जड़ होती है। ये खाने से बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही इसमें अच्छा टेस्ट होता है। मार्केट में जो है अभी कमल ककड़ी बहुत अच्छी और ताज़ी ताज़ी आ रही थी, इसलिए मैं सोची आपको इसका एक वीडियो बना के शेयर करूँ मटन के साथ। हमारी अगली वीडियो में हम आपको चिकन और कमल ककड़ी का सालन बनाना बताएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम इस सालन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट देखते हैं। ये कुछ हरी मिर्चें लिए हैं। हरी मिर्चें अलग अलग शेप की होती हैं, कुछ मोटी, कुछ छोटी, कुछ लंबी और कुछ पतली होती है। तो हम इस पर लंबी वाली कौली कौली मिर्चें डालेंगे जो दिखने में कुछ इस तरह की होती है। अगर मिर्ची आपके पास इससे भी लंबी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। हम इसमें मोटी मिर्ची का यूज़ नहीं करेंगे, पतली वाली मिर्ची का यूज़ करेंगे और इसमें हम बीच से एक कट लगा देंगे बिल्कुल इस तरीके से। और ये ताज़ी हरी मिर्चें हैं, हम इसे सालन में डालते हैं। ये देखिए सालन में हमने ये मिर्चों को डाल दिए हैं। अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गोश्त जो है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। हम इस पर 1 से 2 सीटी और लगाएंगे क्योंकि कमल ककड़ी को भी हमें थोड़ा गलाना है। सीटी लगाने से पहले हम इसे 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें पहले हमने खड़ा गरम मसाला डाल चुके हैं, तो अभी हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल ही आधी चम्मच के बराबर डालेंगे। नहीं तो फिर इस पर ज़्यादा गरम मसाला डालने से सिर्फ गरम मसाले का ही टेस्ट आएगा। तो इसे हमें भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और हम हमारे घर पे जब भी मटन और चिकन बनाते हैं तो हम इसे ज़्यादा सुरुआ वाला बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे सुरुआ वाला खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हम इस पर थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल सकते हैं सालन में। अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और इस पर 2 सीटी आने तक के इसे पकने देती हूँ। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है, कमल ककड़ी और गोश्त का सालन। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हमने सिर्फ 2 सीटी आने तक के पकाए थे
और ये पक के तैयार भी हो गया है, बहुत ही लजीज बना है। अभी हम इस पे कटी हुई कुछ हरी धनिया डाल देते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, ये सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो था हरी मिर्चें, लंबी लंबी कौली कौली हरी मिर्चें, जिसे डालने से इस पे की जो फ्लेवरिंग होती है, हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है, उससे एक उम्दा किस्म का इस पे टेस्ट आता है। यकीन मानिए, अगर आप भी एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। आप अपनी घर की दावतों में भी इसे पेश कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ ही होगी इसको खाने के बाद। और एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप इसे बनाएंगे तो कसूरी मेथी और जो हमने मिर्च के बारे में बताया उसे आप ज़रूर यूज़ करिए, उसकी वजह से ही इसको खाने में बहुत मज़ा आएगा। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारा स्टाइल, हमारा तरीका आपको कैसा लगा। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।